बेंगलुरु एयरपोर्ट से प्रज्वल रवन्ना को गिरफ्तार किया गया है। बेंगलुरु एसआईटी ने एयरपोर्ट पर लैंड करते ही प्रज्वल रवन्ना को पकड़ लिया है। जर्मनी से लौटा है यौन शोषण का आरोपी रवन्ना। रवन्ना पर यौन शोषण की 3 अलग अलग FIR है। तो प्रज्वल रवन्ना और उनके पिता पर कई संगीन आरोप लगाए गए हैं। प्रज्वल के खिलाफ यौन शोषण की 3 अलग अलग FIR दर्ज की गई है, जिसमें पीड़ितों ने हैरान करने वाले आरोप लगाए हैं। कैसे नौकरी दिलाने के लिए सेक्सुअल फेवर लिया गया, कैसे सैकड़ों महिलाओं के साथ घिनौना खेल खेला गया, अब इन सब सवालों के जवाब SIT पूछताछ में रवन्ना को देने होंगे। तो आपको बता दें, बेंगलुरु एयरपोर्ट से SIT ने आखिरकार गिरफ्तार कर लिया है प्रज्वल रवन्ना को। सेक्स स्कैंडल में अब पूछताछ होगी। 3 अलग अलग FIR दर्ज हुई है, महिलाओं के साथ यौन शोषण का आरोप लगा है। एयरपोर्ट से जब गिरफ्तारी हुई उस वक्त की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, और इसके साथ साथ CID दफ्तर जहां पर ले जाया गया प्रज्वल रवन्ना को, वहां पर किस तरह से भारी सुरक्षा बल तैनात किया गया, ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। तो सेक्स स्कैंडल में फंसे प्रज्वल रवन्ना कैसे फंसे इस पूरे मामले में, यह आपको हम बता देते हैं। बिग बॉल का सीधा रुख करते हैं। दरअसल घर में काम करने वाली महिला ने यौन उत्पीड़न की शिकायत की। 26 अप्रैल को बेंगलुरु में सार्वजनिक जगहों पर कई पेन ड्राइव मिली हैं, और इसके बाद ही यह पूरा मामला सामने आया। दावा यह किया गया कि पेन ड्राइव में 3,000 से 5,000 क्लिप्स है, 5,000 की संख्या तक वीडियोस है। पेन ड्राइव में कई महिलाओं के यौन उत्पीड़न के वीडियो होने का दावा किया गया, और आरोप किस पर लगा, प्रज्वल रवन्ना पर। यौन उत्पीड़न का मामला बढ़ने पर राज्य सरकार ने SIT टीम का गठन किया। रेप, छेड़छाड़, ब्लैकमेलिंग और धमकी के आरोप में 3 अलग अलग FIR प्रज्वल रवन्ना के खिलाफ दर्ज की गई। SIT जांच में दावा किया गया 50 से ज्यादा महिलाओं का यौन उत्पीड़न प्रज्वल रवन्ना ने किया है। 22 साल से लेकर 61 साल की महिलाओं के यौन उत्पीड़न का आरोप लगा है। आरोप है कि 50 में से 12 महिलाओं के साथ रेप किया गया, बाकी महिलाओं को अलग अलग लालच देकर, झांसा देकर सेक्सुअल फेवर लिया गया। प्रज्वल रवन्ना की तरफ से ये कहा गया, सब इंस्पेक्टर, तहसीलदार जैसी नौकरी देकर सेक्सुअल फेवर का आरोप प्रज्वल रवन्ना पर लगा है। और इस वक्त वजीउल्लाह हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं पूरी जानकारी के साथ। वजीउल्लाह, अब आखिरकार प्रज्वल रवन्ना को गिरफ्तार कर लिया गया है, आगे क्या कोशिश रहेगी पुलिस की तरफ से, SIT की तरफ से? जी हाँ, तो 1 महीने के बाद प्रज्वल रवन्ना को अरेस्ट किया गया है, और इसी से ही अब इन्वेस्टिगेशन एक अलग ही रुख पकड़ेगी, क्योंकि मेन आरोपी जिसका नाम FIR पे था, जो अब्सकॉन्डिंग था, अब वो वापस आ चुका है। तो कल रात 2 बजे के करीब SIT ने उनको ऑफिशियली अरेस्ट किया था और ऑफिस लेकर आया गया था, और इसके बाद से उनके मोबाइल फोन्स और उनके जो भी डिजिटल मूवमेंट्स थे वो सबको नोटिस किया गया था, और FSL के लिए भी भेजा गया था। अब पता चला जाएगा कि प्रज्वल रवन्ना किसकी मदद लेके बाहर निकले थे, क्यों निकले थे, क्या कर रहे थे, और ये सब एविडेंसेस पीस किया जाएगा SIT की तरफ से। अब आगे उनको कोर्ट में भी प्रोड्यूस किया जाएगा आज, और उसके बाद से इस पूरे केस की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। उनको हर एक वीडियो दिखाया जाएगा, उनसे पूछा जाएगा कि ये कौन था, आप क्या थे, और इस पे देखा जाएगा कि प्रज्वल रवन्ना कैसे रिएक्ट करेंगे, क्या वो एक्सेप्ट करेंगे, क्या नहीं करेंगे, और उसके आगे फिर पता चल जाएगा कि कार्रवाई कैसे चलेगी। शुक्रिया आपका वजीउल्लाह इस पूरी जानकारी के लिए। अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। कन्याकुमारी में पीएम की ध्यान साधना जारी है। विवेकानंद रॉक मेमोरियल में पीएम कर रहे हैं मेडिटेशन। कल दोपहर तक पीएम मोदी करेंगे मेडिटेशन। मेमोरियल के आसपास सुरक्षा के कड़े इंतजाम। कन्याकुमारी में विवेकानंद रॉक मेमोरियल के ध्यान मंडपों में पीएम नरेंद्र मोदी की ध्यान साधना जारी है। पीएम यहां 1 जून तक ध्यान करेंगे। पीएम मोदी उसी जगह ध्यान कर रहे हैं जहां 1892 में स्वामी विवेकानंद ने ध्यान किया था। ध्यान शुरू करने से पहले प्रधानमंत्री मोदी कुछ देर के लिए मंडपम की ओर जाने वाली सीढ़ियों पर खड़े रहे। मोदी के दौरे से पहले सुरक्षा बढ़ा दी गई है, और उनके प्रवास के दौरान 2000 पुलिसकर्मी पहरा दे रहे हैं। साथ ही कोस्ट गार्ड और नेवी भी कड़ी निगरानी कर रहे हैं। 1 जून को अपने प्रस्थान से पहले पीएम संत तिरुवल्लूर की प्रतिमा के दर्शन करने भी जा सकते हैं। विवेकानंद रॉक मेमोरियल में जहां पर पीएम मोदी ध्यान साधना कर रहे हैं, वहीं से TV9 संवाददाता सुरभि शर्मा की रिपोर्ट आती है।
प्रधानमंत्री। अब सीधा 1 जून दोपहर का वक्त होगा जब इस ध्यान मंडपम से बाहर आएंगे, और यही वजह है कि इस चुनावी उत्सव के दौरान, चुनावी शोर के दौरान, चुनाव प्रचार के बाद प्रधानमंत्री ने ये समय चुना जब वो यहाँ पर आए हैं। और भारत के इस आखिरी छोर पर, हम ये कह सकते हैं कि सदर्न टिप पर इंडिया के, उन्होंने ये जगह चुनी है मेडिटेट करने के लिए, क्योंकि ये मेडिटेशन है, ध्यान साधना है। इसलिए प्रधानमंत्री की आइटनरी की अगर आप बात करते हैं तो उस आइटनरी के तहत सिर्फ 31 मई का दिन पूरा विश्राम का लिखा है, यानी ध्यान साधना का लिखा है। और मेडिटेशन शुरू करने से पहले पीएम ने भगवती अम्मन मंदिर देवी में दर्शन किए हैं, देवी मंदिर में पूजा अर्चना उन्होंने की। रिपोर्ट देखिए। पीएम मोदी कन्याकुमारी में सबसे पहले भगवती अम्मन मंदिर गए। यहाँ पीएम दक्षिण भारतीय पारंपरिक वस्त्र में नंगे पांव हाथ जोड़कर मंदिर के अंदर गए। मंदिर में मौजूद पुजारियों ने पीएम को विधिवत पूजा कराई। पीएम शाम की आरती में शामिल हुए और मंदिर की परिक्रमा की। पुजारियों ने पीएम की मौजूदगी में एक विशेष आरती की, उन्हें मंदिर का प्रसाद दिया। इस प्रसाद में एक शॉल और मंदिर की मुख्य देवी की एक तस्वीर शामिल है। भगवती अम्मन मंदिर देश के 108 शक्ति पीठों में एक है और करीब 3000 साल पुराना है। पीएम मोदी के दौरे की वजह से कन्याकुमारी में कुछ श्रद्धालुओं को भगवती अम्मन मंदिर में बिना दर्शन किए ही लौटना पड़ा। TV9 से बातचीत में श्रद्धालुओं ने कहा कि उन्हें इस बात का कोई दुख नहीं। बहुत सारे ऐसे दर्शनार्थी थे, तीर्थयात्री थे जो यहां पर आए थे। अब उनको राहत निराशा लगी, लेकिन वो इस बात से खुश हैं कि उनके देश के प्रधानमंत्री इस वक्त वहां पर मौजूद हैं जहां पर वो मौजूद हैं। तो बिना आपके और दर्शकों के बीच में बाधा बनते हुए ये बताइए, आप लोग आए थे, अब वहां तो जा नहीं पाएंगे, तो निराशा हाथ लगी है क्या? बिल्कुल नहीं। खुशी किस बात की है ये बताइए? मोदी जी आए उस बात की। मोदी जी आए इसलिए? या मोदी जी तमिलनाडु आए हैं, सत्ता में भी आ रहे हैं? सत्ता में भी आ रहे हैं। वहीं देश में चुनाव के ऐलान के बाद पीएम मोदी ने करीब 2 महीने में 206 रैलियां और रोड शो किए हैं। विपक्ष पीएम के रिकॉर्ड तोड़ प्रचार पर सवाल उठा। मिशन 2024 चुनाव प्रचार के लिए पीएम मोदी ने दिन रात एक कर दिया। पीएम ने रैलियों और रोड शो का रिकॉर्ड बना दिया है। पीएम मोदी ने 17 मार्च से लेकर 30 मई तक 206 रैलियां और रोड शो कार्यक्रम किए हैं। इस दौरान उन्होंने कुल 80 इंटरव्यू दिए। अगर प्रधानमंत्री की रैलियों के आंकड़ों का हिसाब लगाएं तो उन्होंने एक दिन में 2 से 3 राज्यों का दौरा किया और रोजाना 3 से 4 जनसभाएं की। पीएम के अलावा गृह मंत्री अमित शाह ने मिशन 2024 के लिए पूरी ताकत झोंकी। चुनाव ऐलान के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने 188 रैलियां और रोड शो किए, इसके अलावा 132 इंटरव्यू दिए। और वहीं पीएम मोदी के अलावा बीजेपी के स्टार प्रचारकों ने भी लोकसभा चुनाव के लिए जमकर प्रचार किया। मिशन 2024 में एनडीए और बीजेपी के स्टार प्रचारकों ने चुनावी प्रचार के दौरान जमकर पसीना बहाया। बीजेपी के स्टार प्रचारक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और योगी आदित्यनाथ ने भी देश भर में कई रैलियां और जनसभाएं की। चुनाव प्रचार के मामले में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी पीछे नहीं रहे। जानकारी के मुताबिक राजनाथ सिंह ने 101 चुनावी रैलियां और रोड शो की। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 198 रैलियां और रोड शो किए हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 87 रैलियां और रोड शो किए। विपक्षी नेताओं ने भी लोकसभा चुनाव के लिए जमकर प्रचार किया है। कई नेताओं से 100 से ज्यादा रैलियां भी की। विपक्ष के नेता भी चुनाव प्रचार में पीछे नहीं रहे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस चुनाव प्रचार में 100 से ज्यादा रैलियां की। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद से राहुल ने 107 रैलियां की, जबकि पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी ने 108 जनसभाएं और रोड शो किए। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव 85 चुनावी रैलियां और रोड शो कर चुके हैं। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने सिर्फ 35 रैलियां की है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने 67 रोड शो और रैलियां की है। उन्होंने करीब 30 इंटरव्यू भी दिए हैं। वहीं बिहार में सबसे ज्यादा रैलियों का रिकॉर्ड तेजस्वी यादव ने बनाया है। और प्रचार के आखिरी दिन प्रधानमंत्री ने विरोधियों पर जमकर प्रहार किया। पीएम ने कहा कि मोदी को समझने में गलती ना करें, नहीं तो 7 पीढ़ियों के पाप खोलकर रख दूंगा। पीएम मोदी ने पंजाब की जनसभा के दौरान विपक्षी गठबंधन इंडिया पर सेना को राजनीति का हथियार बनाने का आरोप लगाया और चुनौती देते हुए कहा कि वो उन्हें समझने में कोई गलती न करे। और मैं इंडिया अलायंस वालों को कह रहा हूं, मैं चुप बैठा हूं इसका मतलब ये समझिए
गलती मत कीजिए मोदी को समझने की। अगर मोदी जिस दिन मुंह खोलेगा तुम्हारी सात पीढ़ी के पाप निकाल करके रख दूंगा। कन्याकुमारी जाने से पहले पीएम मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र काशी के लोगों को भेजे संदेश में कहा कि 1 जून को काशी के लोग कीर्तिमान बनाएंगे। हम यही लिए कहला कि अब माई गंगा हमें गोद ले 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 है। काशी के लिए ये बार का चुनाव नव काशी के साथ विकसित भारत के निर्माण का चुनाव हो। काशी के लोगन के 1 जून के दिन नया रिकॉर्ड बनावे के हो। और वहीं कल होने जा रही आखिरी चरण की वोटिंग में पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भी चुनाव होना है। मतदान से पहले दशाश्वमेध घाट पर विशेष गंगा आरती की गई। इस दौरान मतदान जरूर करने का संदेश भी दिया गया। पीएम के संसदीय क्षेत्र काशी में मतदान से पहले दशाश्वमेध घाट पर विशेष गंगा आरती की गई। गंगा आरती में दिए जलाकर लोगों को संदेश दिया गया कि वाराणसी के लोग 100% मतदान करें। चुनाव चल रहा है उसके लिए मतदान के लिए आज एक कार्यक्रम किया गया है। हम लोग दशाश्वमेध घाट पे माँ गंगा के पावन तट पे उस दीपक को जला करके सभी को प्रेरणा देते हैं और प्रेरित करते हैं कि जो ये मतदान का महापर्व है, लोकतंत्र का महापर्व है, उस महापर्व पे आप सभी लोग वोट दें। 7वें और अंतिम चरण का मतदान वाराणसी समेत 57 लोकसभा सीटों के लिए होना है। लोकसभा के लिए चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने देश की जनता और पार्टी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दिया है। उन्होंने फिर दावा किया है कि विपक्षी गठबंधन इंडिया की सरकार बनने जा रही है। इलेक्शन संविधान को बचाने का है, हिंदुस्तान के संस्थाओं को, इंस्टीट्यूशंस को बचाने का है और हमने नैरेटिव को कंट्रोल किया और एक नया विजन हिंदुस्तान के लिए हमने सामने रखा। गरीबों के लिए, किसानों के लिए, स्मॉल मीडियम बिजनेसेस के लिए, बेरोजगार युवाओं के लिए इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है। इंटेलेक्चुअल्स ने, थॉट लीडर्स ने प्रधानमंत्री को कहा था कि मेरे साथ डिबेट करें, मगर वो डिबेट नहीं कर पाए और अब तो डिबेट पॉसिबल है ही नहीं क्योंकि वो मौन व्रत पे चले गए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी 4 जून को इंडिया गठबंधन को पूर्ण बहुमत की सरकार बनने का दावा किया है। हमें विश्वास है कि 4 जून 2024 को इस देश में जनता एक नई वैकल्पिक सरकार का जनादेश देगी। इंडिया गठबंधन पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगा और हम सभी मिलकर UPA 1 और UPA के तर्ज पर इस देश को एक इंक्लूसिव, नेशनलिस्टिक, डेवलपमेंटल सरकार देंगे। बड़ी खबर है, जम्मू के अखनूर में रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो चुका है। हादसे में 22 लोगों की मौत, 57 लोग घायल हैं। मृतकों के परिवार को 7-7 लाख की मदद का ऐलान। 150 फीट गहरी खाई में गिरी थी बस। पीएम मोदी ने हादसे पर दुख जताया है। देखिए, दुर्घटना स्थल की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मृतकों के परिवार को 7-7 लाख की आर्थिक मदद का भी ऐलान किया गया है। अखनूर में यह दर्दनाक हादसा हुआ जिसमें खाई में गिर गई थी एक बस। 150 फीट गहरी ये खाई बताई जा रही थी जिसमें बस गिरी है। देखिए, दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से 22 लोगों के हादसे में मौत हो गई है, 57 लोग घायल बताए जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के पुंछ में मानकोट सेक्टर में भारत पाकिस्तान नियंत्रण रेखा के उस पार से आग लगाई गई है जिसकी लपटें दूर से नजर आ रही है। तस्वीरें पुंछ जिले के मेंढर में लगी आग की हैं। मानकोट सेक्टर में LOC के पास जंगल में आग लगने के कारण कई बारूदी सुरंगें फट गई। आग की लपटें दूर से ही दिख रही हैं। वन क्षेत्र में लगी आग से भारी नुकसान हुआ है। सांबा में लगी आग आसपास के गांव में फैल गई जिससे कई रिहायशी मकानों को खतरा पैदा हो गया। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियों ने कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। स्थानीय लोगों का दावा है कि सीमा पार से कुछ शरारती तत्वों ने जानबूझकर ये आग लगाई जिससे वन संपदा को नुकसान पहुंच सके। आग में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। और वहीं गुरुग्राम से बड़ी खबर है जहां पर कपड़ा फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग में लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया।
हरियाणा के गुरुग्राम के मानेसर में एक कपड़ा फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। तस्वीरों में कपड़ा फैक्ट्री की हर फ्लोर पर आग की लपटें दिख रही हैं। कई घंटों की मशक्कत के बाद प्रशासन और फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। आग IMT मानेसर में न्यू मेरो यूनो कंपनी की बिल्डिंग में लगी। आग में लाखों का सामान जलकर खाक हो चुका है। आग लगने के कारणों का अब तक पता नहीं लगा है। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। कपड़ा फैक्ट्री में लगी आग देखने के लिए लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। और गुरुग्राम की कपड़ा फैक्ट्री में लगी भीषण आग से बने हालात का जायजा लिया TV9 संवाददाता विवेक शर्मा। फायर विभाग को जानकारी मिली थी कि गुरुग्राम के IMT मानेसर के सेक्टर 8 में कपड़े की फैक्ट्री में आग लग गई है। मामले की जानकारी मिलने के बाद शुरुआत में फायर विभाग की करीब 6 से 7 गाड़ियों को मौके पर रवाना किया गया। आग की गंभीरता को देखते हुए इजाफा जो है वो गाड़ियों में किया गया। करीब 25 गाड़ियां जो है वो अभी आग पर काबू पाने की कोशिश में लगी हुई। इस बिल्डिंग के अंदर कपड़े थे उनमें आग लगी हुई है। फायर विभाग की टीम लगातार यहां पर आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही है। गनीमत ये है कि इस आग में किसी के भी हताहत होने की कोई जानकारी नहीं है। और इस बीच आपको बता दें कि कन्याकुमारी में PM मोदी की ध्यान साधना जारी है। विवेकानंद रॉक मेमोरियल में PM कर रहे हैं ध्यान साधना। कल दोपहर तक PM करेंगे मेडिटेशन। मेमोरियल के आसपास सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त। बेंगलुरु एयरपोर्ट से प्रज्वल रेवन्ना गिरफ्तार। बेंगलुरु SIT ने एयरपोर्ट पर लैंड करते ही पकड़ा है, जर्मनी से लौटा है यौन शोषण का आरोपी प्रज्वल रेवन्ना। रेवन्ना पर यौन शोषण की 3 अलग अलग FIR दर्ज की गई है। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं बेंगलुरु एयरपोर्ट की, जब देर रात प्रज्वल रेवन्ना को यहां पर गिरफ्तार किया गया। जर्मनी से लौटते ही गिरफ्तार किया गया। आगे की पूछताछ और इन्वेस्टिगेशन को SIT की तरफ से प्रज्वल रेवन्ना पर जो आरोप लगे हैं इस मामले में जारी किया जाएगा। असम में बाढ़ की वजह से हालात बेहद खराब है। 9 जिलों के करीब 2 लाख लोग प्रभावित हो गए हैं। NDRF की टीमें रेस्क्यू काम में लगी हुई। नोएडा में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़। लुटेरे बदमाश ने पुलिस की टीम पर फायरिंग की है। जवाबी कार्रवाई में बदमाश के पैर में लगी गोली। बदमाश राजा उर्फ तालिब को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बिहार से बड़ी खबर, औरंगाबाद में लू से 12 लोगों की मौत। 20 से ज्यादा लोग अस्पताल में भर्ती। औरंगाबाद स्वास्थ्य विभाग ने दी जानकारी।